Hi guys, welcome back to my channel Bhukkar Ghumakkar Sur, and today I'm going to take you to Labras, which is at Diggi Palace. Interesting fact, Diggi Palace is actually the place jahan pe JLF, which is the Jaipur Literature Festival, actually and originally start hua tha. Now it's held at another place because bahut bada ho gaya hai festival and because of congestion issues and stuff kahin aur hota hai. Anyways, coming back to Labras at Diggi Palace. ये इनकी आउटडोर सीटिंग है एंड वी हैव कम हियर टुडे टू सेलिब्रेट माय पेरेंट्स एनिवर्सरी एंड वी एक्चुअली कम हियर फॉर अ ब्रंच. तो थोड़ा सा आउटडोर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, इंडोर आई एम गोना शो यू लेटर. हमने कॉकटेल्स में दो चीज़ें ऑर्डर करी, कोको मेलन विच इज़ द वन यू कैन सी इन द कोकोनट, एंड सेकेंड वॉज जिन बेस्ड क्यूकम्बर कॉकटेल. दोनों बहुत ही अच्छे थे, बट इफ़ यू लाइक द फ्लेवर ऑफ कोकोनट डेफिनेटली ऑर्डर द कोको मेलन, इट वॉज सो ब्यूटिफुल. And this is the beautiful couple that we are celebrating today. Nice. Okay, let's head over inside now and I'll show you bar area. कितना सुंदर बना हुआ है इनका, it's absolutely mesmerizing, golden, बहुत ही old school type का अंदर से इन्होंने decor दिया हुआ है and I actually really liked it. हालांकि people prefer कि बाहर ही बैठे, but मेरे को ना इनका indoor वाला area भी बहुत अच्छा लगा. So in summers if you want some AC and stuff, तो इसका indoor area is quite nice that way. I thought I'll pick this up to show you guys ki kitni badi bottle hai, but hili bhi nahi mere se, so you know the size. So these are like har corner mein na itna bada bada sitting area banaya hua hai inhone. So if you have like a big group who's coming to celebrate, to aap log ye wale tables bhi book kar sakte ho. Roof pe you can see bahut hi sundar kaam kiya hua hai, there are gorgeous chandeliers inside and bahut hi sundar sa look hai. Ab hamare khane ka time aa gaya hoga, so it's time to head back outside and see what's for food. ओके, फर्स्ट आप पेपरोनी पिज़्ज़ा. अगर किसी भी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा है एंड दे हैव पेपरोनी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑर्डरिंग इट बिकॉज आई लव पेपरोनी. और ये वाला कैसा था आपको पता चलेगा इन 3, 2, 1. अनदर थिंग आई एम ऑब्सेस्ड विद इज प्रॉन्स, और अगर तंदूरी फ्लेवर में बहुत अच्छे से प्रॉन्स होना तो आई थिंक नथिंग कैन बीट दैट. इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन आई एम सॉरी फॉर दिस वीडियो, बट ओ माई गॉड दिस इज सो गुड. ओके, सो दिस वॉज समथिंग चीज़ी स्टफ्ड इनसाइड चिकन, बहुत ही टेंडर था, बहुत सॉफ्ट था, बट मेरा आज के दिन ना एक्चुअली कॉन्टिनेंटल खाने का ज़्यादा मन नहीं था, तो आई जस्ट ट्राइड दिस फॉर अ बाइट एंड इट वॉज क्वाइट गुड सही में, बट आई डिडंट हैव मच ऑफ इट दैट डे टू बी ऑनेस्ट. इसको सो एज यू सॉ साइड का जो पीस था उसके अंदर ज़्यादा स्टफिंग नहीं थी, बट द सेंटर वॉज वेरी नाइसली फिल्ड एंड वेरी चीज़ी, वेरी गुड. नेक्स्ट अप इज़ द चिकन टिक्का. इसका कलर देख लो यार, इट लुक्स सो गुड. इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नींबू, ऑफकोर्स चटनी में बहुत अच्छे से डिप कर लेंगे एंड देन आई एम गोना ट्राई इट. कट करने में बहुत ही सिंपली कट हो गया एंड मेरा रिव्यू था दिस. It's sushi time. ओके, इतना सारा हाइप बनाने के बाद ऑनेस्टली आई टेल यू द सुशी वाज काफ़ी व्हाटएवर. दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स जो हमने ऑर्डर किया था एंड दिस इज़ गार्लिक चिली क्रिस्पी लैम्ब, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इनफैक्ट वी ऑर्डर टू पोर्शंस ऑफ दिस, सो इट वाज क्वाइट गुड. Coming to the end of this video with this beautiful pizza which was really good, I hope you guys enjoyed this video and I will keep making more and more such ones for you, including food and travel, so subscribe now.